Hello everyone, I'm Monica. Today we start class 6 mathematics, chapter 11, exercise 11.4, question 2. Okay, the question is solve the following equations and verify the answers in each case. अब क्या करना है, सबसे पहले equation को solve करना है and then verify करना है. ठीक है, equation को क्या करना है, verify करना है. ठीक, अब देखो solve कैसे करेंगे. Same जैसा क्वेश्चन फर्स्ट का आपने फर्स्ट टू टेंथ किया है वैसे सेम टू सेम सॉल्व करो. ठीक है, कैसे देखो, m अपॉन 2 है. m क्या है, यहाँ पे m वेरिएबल है. ठीक है, मैंने बताया था फ्रॉम a टू z कोई भी लेटर अगर आप लेते हो इक्वेशन में तो वो क्या होता है, वो वेरिएबल होता है. ठीक है, तो m क्या है, वेरिएबल है. और वेरिएबल के अपॉन में क्या है, 2 है. मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका अपोजिट ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा. अपोजिट ऑपरेशन इन द सेंस, डिवाइड का अपोजिट ऑपरेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, विच मीन्स दैट हमें बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. ठीक है, ठीक. अब देखो यहाँ क्या हुआ, फिर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया. यहाँ m की वैल्यू कितनी आ गई, 10. ठीक, ये आ गई m की वैल्यू 10. और यहाँ पे आपने मेंशन करना है क्या, मल्टीप्लाइंग टू, मल्टीप्लाइंग ईच साइड बाय 2. ठीक है, ये मेंशन करना इंपॉर्टेंट. ठीक है, कितनी आ गई n की वैल्यू, 10. अब यही आपको फाइंड आउट करना होता है. ठीक है, क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है. मतलब ये इक्वेशन तो सॉल्व हो गई लेकिन वेरीफाई कैसे करोगे, तो यहां आप डालोगे वेरिफिकेशन एंड देन. कैसे करोगे वेरिफिकेशन, m की इस वैल्यू को आपने इक्वेशन में रखना है. ठीक है, तो उससे वेरीफाई हो जाएगा इक्वेशन. अब क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, ये क्या है, LHS है. मैंने LHS और RHS बताया था आपको, क्या है, m अपॉन 2. ठीक है, m अपॉन 2 है. m की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 10 है, विच मीन्स दैट 10 अपॉन 2. ठीक, इसको कैंसिल आउट आपने किया तो कितने ही आए LHS की वैल्यू, 5. 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. ठीक है, कितना आ गया, 5 आ गया. और RHS में भी वैल्यू कितनी है, RHS की वैल्यू भी कितनी है, 5 है. यहाँ पे कोई ऑपरेशन फॉलो नहीं होगा क्योंकि यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली गिवन है आपको. ठीक है, तो LHS इज इक्वल टू RHS है, LHS भी 5, RHS भी 5. ठीक है, विच मीन्स दैट बोथ द साइड्स आर इक्वल. ठीक है, यही आपका वेरिफिकेशन है, हेंस प्रूफ्ड. मतलब कुछ नहीं करना, जो भी वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू आएगी उसको आपको इक्वेशन में पुट करना है. ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड. ठीक, अब यहाँ देखो, अब सेम क्वेश्चन है, पहले सॉल्व कर लो. ठीक है, अब यहाँ देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, प्लस और माइनस की वैल्यू को हटाना है. तो एक बात बताओ, प्लस का अपोजिट क्या होता है, माइनस. मतलब एडिशन का अपोजिट सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का अपोजिट एडिशन. ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. ठीक, तो अगर आपको 2 को यहाँ से हटाना है तो क्या करोगे, इसका अपोजिट ऑपरेशन अप्लाई करोगे. मतलब 3x plus 2 minus 2 is equal to 8 minus 2. ठीक है, अब यहाँ आपने क्या राइट करना है, सुन लो ध्यान से, सब्ट्रैक्टिंग माइनस 2 ईच साइड. ठीक है, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, सब्ट्रैक्टिंग ईच साइड बाय माइनस 2. ठीक है, बाय 2 कर लो क्योंकि सब्ट्रैक्टिंग तो ऑलरेडी आप ऐड कर रहे हो, तो 2 कर लोगे. ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग क्या लिखना है, सब्ट्रैक्टिंग ईच साइड बाय 2. ठीक है, अब इससे क्या हुआ, इससे ये प्लस 2 है, ये माइनस 2 है, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 गया, 0 हो गया. ठीक है, 3x इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे, 8 माइनस 2 6. अब यहाँ देखो, यहाँ मैंने बताया था 3x के किसके साथ है, मल्टीप्लिकेशन के साथ. तो मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट ऑपरेशन क्या होता है, डिवाइड. तो 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, 3 का डिवाइड करेंगे बोथ द साइड. ठीक है, तो क्या यहाँ पे राइट करोगे, डिवाइडिंग ई साइड बाय 3. ठीक,
ये आ गया आपका। अब देखो ध्यान से देखना, अब क्या होगा, डिवाइड कर दो सबसे पहले 3x/3, ये डिवाइड कर दिया मैंने, और आपने LHS में किया है तो RHS में भी करना होगा 6/3। अब इससे क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 1 3 3 2 6, यहाँ से देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक, अब वेरिफिकेशन कैसे करोगे, लेफ्ट हैंड साइड लो यहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड लिया मैंने, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपका 3x+2 3 × 2 है और x की वैल्यू कितनी है 2 + 2, ठीक है, 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 + 2 कितना आ गया 8। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में भी 8 आया है और राइट हैंड साइड में भी आपको 8 गिवन है, तो आप ये राइट कर लोगे, LHS = RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, लास्ट में आपको राइट करना होगा, यहाँ क्या लिखोगे, इसके बाद का क्वेश्चन क्या है, RHS = 8, क्यों, RHS आपको गिवन है राइट हैंड साइड, इक्वल का लेफ्ट वाला पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल के बाद मतलब राइट वाला पार्ट राइट हैंड साइड। ठीक है, समझ गए ये क्वेश्चन सेकंड। अब देखो थर्ड और फोर्थ सेम एज इट इज है, वो आप कर लोगे, फिफ्थ बता देती हूँ क्योंकि इसमें -2x है और -8 है, दिस इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ओके, अब देखो क्या किया मैंने, क्वेश्चन लिखा एंड देन यहाँ देखो, यहाँ +4 है ना, तो +4 का प्लस का अपोजिट ऑपरेशन माइनस, ठीक है, सब्ट्रैक्ट, एडिशन का अपोजिट सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट ईस्ट साइड बाय 4, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो, कैसे आएगा देखो ध्यान से देखना, -2x + 4 - 4 = -8 - 4, देखो सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, कुछ नहीं किया है, देखो -8 एज इट इज है, -4 को सब्ट्रैक्ट करना था तो वो किया, और ये -2x + 4 एज इट इज है, -4 को सब्ट्रैक्ट करना था तो वो कर दिया। ठीक है, इतना आया समझ में, अब इससे क्या हुआ, +4 से -4 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से क्या आ गया -2x = यहाँ से क्या आएगा, मैंने लास्ट क्लास में आपको ये ऑपरेशन समझाया है कि यहाँ पे भले ही टू नंबर्स में माइनस यूज हुआ है लेकिन यहाँ वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि साइंस आर सेम, जो साइन है आपको वो सेम गिवन है। ठीक है, अब देखो 8 + 4 कितना हो गया 12, और साइन किसका आएगा, लार्ज नंबर का यानी माइनस का। ठीक है, समझ गए, लास्ट क्लास आप देखना, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है ये, ठीक है, और उसमें मैंने चार्ट टाइप का भी दिया था आपको कि सेम साइन होता है तो प्लस हो जाता है और डिफरेंट साइन होता है तो माइनस हो जाता है। अब यहाँ देखो, यहाँ भी एग्जांपल है, ये डिफरेंट साइन था तो इसको मैंने माइनस कर दिया और यहाँ जीरो आएगा। ठीक है, जीरो लिखो नहीं लिखो बात बराबर है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। ठीक है, ये डिफरेंट साइन है ना, प्लस और माइनस, यहाँ देखो सेम साइन था तो ऐड हो गया और डिफरेंट साइन होता है तो माइनस हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखो -2x है और यहाँ क्या है -12 है, अब क्या करोगे आप, -2 क्या है x के मल्टीप्लिकेशन में है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या राइट करोगे आप, डिवाइडिंग ईस्ट साइड बाय -2। ठीक है, ये कर दिया मैंने, अब यहाँ देखो -2x एज इट इज, -2 से डिवाइड करना था तो ये लिख दिया मैंने। ठीक है, -12 एज इट इज, -2 से डिवाइड करना था तो ये लिख दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ, देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 2 2 6 12, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है, अब वेरिफिकेशन करते बन जाएगा आपसे, वेरीफाई में क्या करोगे, देखो LHS लिया सबसे पहले मैंने, यहाँ पे आपने लिखना है वेरिफिकेशन। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है, देखो LHS लिया सबसे पहले, LHS में क्या है -2x + 4, ठीक है, x के लिए कितना रखना है 6, तो -2 × 6 + 4। ठीक, अब यहाँ से देखो 6 × 2 = 12, -12 + 4, अब देखो डिफरेंट साइन है, क्या हो गए, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर दो, 12 में से 4 गया तो कितना आ गया 8, और साइन किसका आता है, लार्ज नंबर का, तो लार्ज नंबर क्या है 12, तो 12 का साइन आएगा -8।
अब देखो लेफ्ट हैंड साइड कितना है माइनस एट, अगर आपने राइट हैंड साइड देखा है तो राइट हैंड साइड भी कितना है आपका माइनस एट, ठीक है। तो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, समझ गए ये क्वेश्चन, ठीक। अब देखो सिक्स क्वेश्चन भी बता देते हैं। अब देखो ये है आपका सिक्स क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू को यहाँ पे आपने क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अब नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो ये दिया हुआ है। यहाँ क्या है, ए के, ए क्या है वेरिएबल, और वेरिएबल के साथ में क्या है प्लस सिक्स, मतलब प्लस का अपोजिट ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस सिक्स, और यहाँ भी एट प्लस वन अपॉन टू माइनस सिक्स, ये समझ में आ गया कैसे किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या राइट करोगे आप, सब्ट्रैक्ट सिक्स बोथ साइड, ठीक है। ये राइट किया, इसे क्या हुआ प्लस सिक्स से माइनस सिक्स कैंसिल हो गया, यहाँ क्या है ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वन अपॉन टू को आप छोड़ दो, क्यों, क्योंकि ये अभी फ्रैक्शन के फॉर्म में, बताती हूँ कैसे करना है, लेकिन पहले आपने सिंपल वैल्यू लेनी, नेचुरल नंबर्स लेने, ठीक है, एट एंड सिक्स, ठीक। अब एट में से सिक्स चला गया क्योंकि माइनस लगा हुआ है, तो ऐसे लिख लो आप, चलो प्लस वन अपॉन टू, कुछ नहीं किया, अरेंज किया है केवल, ठीक है। अब देखो ए इज इक्वल टू टू प्लस वन अपॉन टू, ठीक है। यहाँ भी देखो, यहाँ भी वही ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, डिफरेंट साइन वाला, यहाँ माइनस सिक्स है, और आप बोलोगे मैम एट में तो कोई साइन ही नहीं है, तो डिफरेंट साइन कैसे हो गया, बेटा कोई साइन नहीं होता है ना, तो वहां पे प्लस लेते हैं, ठीक है, ये प्लस है, देखो डिफरेंट साइन है, तो क्या हो गया सब्ट्रैक्ट हो गया, और साइन किसका आएगा, लार्ज नंबर का, तो प्लस करना हो तो करो, नहीं करना हो नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ गए, ठीक। अब देखो ये आ गया आपका, इसको और कैसे राइट कर सकते हैं, टू वन अपॉन टू ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, मिक्स फॉर्म में, ठीक है, ये मिक्स फॉर्म है, ठीक है, ठीक, मिक्स फ्रैक्शन है ये। अब देखो ये लिखा, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बताया था लास्ट क्लास में, टू टू जा टू इंटू टू प्लस वन होगा, और अपॉन में टू एज इट इज रहेगा, ठीक है। कैसे सॉल्व किया, टू टू जा फोर प्लस वन अपॉन टू, कितना आ गया ए की वैल्यू फाइव अपॉन टू, ठीक है, ये आ गई। अब यहाँ देखो ए की वैल्यू फाइव अपॉन टू आपने रखना और वेरीफाई करना, ठीक। तो कैसे करोगे, देखो ए की वैल्यू आपने फाइव अपॉन टू रखना है वेरिफिकेशन, ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड लिया मैंने, क्या है ए प्लस सिक्स, मतलब ए की वैल्यू फाइव अपॉन टू प्लस सिक्स। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, फाइव अपॉन टू सिक्स नहीं लिखना, ठीक है, वैसे नहीं लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, सिक्स फाइव अपॉन टू ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाएगी, क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है ये जो वैल्यू है ये लेस होनी चाहिए जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है ना उससे, इसलिए इसको इस मेथड से नहीं करेंगे। ये मेथड तब एप्लीकेबल होती है जब न्यूमिनेटर की वैल्यू कम हो और डिनोमिनेटर की ज़्यादा हो। देखो यहाँ पे न्यूमिनेटर की कम थी और डिनोमिनेटर की ज़्यादा थी, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया था, लेकिन यहाँ नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि न्यूमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज़्यादा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्या किया, सिक्स टू जा ट्वेल्व, ठीक है, ट्वेल्व प्लस फाइव अपॉन टू, ये कर दिया मैं, ठीक है, सिक्स का टू में मल्टीप्लाई किया एंड देन फाइव ऐड कर दिया और अपॉन में टू एज इट इज रहेगा, ठीक है। यहाँ ये मत कर देना सिक्स प्लस फाइव इलेवन अपॉन टू आंसर, वो रॉन्ग है, वो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, समझ गए, ठीक। अब देखो यहाँ कितना आ जाएगा, सेवनटीन अपॉन टू, ठीक, ये क्या हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या है, देखो राइट हैंड साइड में है आपका एट प्लस वन अपॉन टू, ये लिखा हुआ है, ठीक है, एट टू जा सिक्सटीन प्लस वन अपॉन टू, क्या आ गया सेवनटीन अपॉन टू,
अब देखो यहाँ भी 17 अपॉन 2 और यहाँ भी 17 अपॉन 2, विच मीन्स दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ठीक है, क्या हो गया, हेंस प्रूफ. ठीक, समझ गए ये क्वेश्चन. ठीक है, अब देन क्वेश्चन नंबर 7 आप करोगे, 8 भी आप करोगे. ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ये इजी है बल्कि. एंड देन क्वेश्चन नंबर 9 एकदम फिफ्थ के जैसा है, क्वेश्चन 10 मैं बता रही हूँ. ठीक, देखो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 10 है, तो यहाँ थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि x की वैल्यू मैम 2/3 है मल्टीप्लाई में. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 2x/3, कोई गलत नहीं है, ये एक्चुअली यही है. ठीक है, अब यहाँ देखो अपॉन में क्या है, 3 है, मतलब 3 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा. ठीक है, अपोजिट ऑपरेशन अप्लाई करते हैं ना. ठीक है, 8/9 × 3 यहाँ क्या राइट करोगे, मल्टीप्लाई 3 बोथ साइड. ठीक है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2x इज इक्वल टू यहाँ क्या आएगा, 3 × 3 = 9, 8/3. ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, 2x लिखा हुआ है मतलब 2 मल्टीप्लाई में है. ठीक है, तो मल्टीप्लाई का अपोजिट ऑपरेशन क्या होता है, डिवाइड. तो आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा बोथ साइड. ठीक है, अब यहाँ 3 ऑलरेडी है तो यहाँ 2 लिख लो आप ऐसे. ठीक है, समझ गए. अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, अब यहाँ देखो 2 × 2 = 2, 2 × 4 = 8. ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3. ठीक, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है. ठीक है, वेरीफाई में, वेरिफिकेशन में लेफ्ट हैंड साइड लिया, कितना है, 2/3x. ठीक, ये लिया तो 2/3 × क्या आएगा, x की वैल्यू रखनी है तो 4/3. ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा, 4 × 2 = 8, 3 × 3 = 9. अब यहाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या है आपका, राइट हैंड साइड में भी क्या है, 8/9. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, विच मीन्स दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ्ड. ठीक है, ये लाइन आप मेंशन कर लोगे. ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द एक्सरसाइज 11.4 एंड देन समरी आपको गिवन है. ठीक, एंड देन टेस्ट योरसेल्फ आप करोगे. ठीक है, और इसकी एक्टिविटी भी करनी है बेटा. ठीक है, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बाय एक्टिविटी मेथड. ठीक है, ये आप कर लोगे. ठीक, ये आप करोगे, ये एक्चुअली एक प्रोजेक्ट टाइप का है. ठीक है, जिसमें आपको चार्ट पेपर्स और कलर पेंसिल्स और सीजर स्केच पेंस ये सब यूज होगा. ठीक है, ये आप मुझे करके भेजोगे. ठीक, एक्टिविटी एंड देन चैप्टर 12 रेशो एंड प्रोपोर्शन. सो आई विल डिस्कस रेशो एंड प्रोपोर्शन इन द नेक्स्ट क्लास. दिस इज द एंड ऑफ द क्लास. थैंक यू. और हाँ, आपका टेस्ट में 6th, 7th, 8th चैप्टर आपको रेडी करना है. ठीक.